नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि SSC CHSN 10+2 एग्जामिनेशन जो कि 9 मार्च से लेकर 21 मार्च 2023 तक जो है होने, उसका एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे, स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों चलिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले बता दें, एडमिट कार्ड आपका उसी रीजन में डाउनलोड होगा जिस रीजन में आपने फॉर्म भरा, यानी कि आपने जो परीक्षा का जो केंद्र लिया है, शहर लिया है, उसी हिसाब से जो है एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होते हैं, उसी हिसाब से जो है आपका जो है सेंटर जो है अलाट होता है। तो दोस्तों जैसे बता दूं, अगर आपने सेंटर यानी परीक्षा केंद्र दिल्ली, उत्तराखंड या राजस्थान लिया है तो आपको SSC NR रीजन से डाउनलोड करना है। इसी तरह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लिया है तो MPR से होना है। अगर आपने अपना सेंटर UP या बिहार लिया है तो आपको CR रीजन से डाउनलोड करना है। बता दें, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक आपको सरकारीRESULT.COM और RozgarResult.COM पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको जो लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाएंगे, और साथ ही साथ बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और परीक्षा का, शहर का नाम डालिए और आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है रोल नंबर का, लेकिन हालांकि ये ऑप्शन आपके लिए बेकार है क्योंकि रोल नंबर अभी आपको पता नहीं है। तीसरा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा लोग करते हैं, वो है आपका नाम, यानी कि नाम के 4 लेटर डालने। जैसे मेरा नाम है सुरेश तो SURE डालना है, पिता का नाम है रमेश तो RAME डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जो जन्म तिथि है वो डालना है, यहाँ पे आपने परीक्षा शहर जो पहला फर्स्ट चॉइस लिखी है उसको डाल देना है, और यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी कोड आ रहा है उसको डाल के सर्च करा देना है। एक बात और आपको बता दूं कि SSC क्या है, अगर आप मल्टीपल बार जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो आपके एडमिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है। जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है कि डियर कैंडिडेट प्लीज डू नॉट मल्टीपल डाउनलोड योर एडमिट कार्ड इन केस ऑफ मल्टीपल डाउनलोडिंग द डुप्लीकेट एडमिट कार्ड SSC में ब्लॉक फ्रॉम डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फर्दर। तो अगर आपने एडमिट कार्ड को बार बार डाउनलोड कर रहे हैं तो आपका एडमिट कार्ड जो ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद डाउनलोड नहीं होगा। तो अगर आप इसको अपने मोबाइल पर चेक कर रहे हैं तो डाउनलोड करते वक्त ही अपना जो है एडमिट कार्ड को सेव कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको जो है चेक करके दिखाते हैं ये वाले मेथड से। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो है लिख देता हूँ। एप्लीकेशन नंबर के साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपनी जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी जो है डाल देता हूँ। देख सकते हैं मैंने अपनी जन्मतिथि भी डाल दी है, साथ ही साथ मैंने अपना परीक्षा केंद्र यानी कि आगरा डाल दिया है। यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है उस कैप्चा को डाल दिया है। सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे जो सर्च का बटन है, अब हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस खुल जाएगा जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, यहाँ पे परीक्षा की जो तिथि है वो दिख जाएगा, परीक्षा का जो शिफ्ट है वो दिख जाएगा, परीक्षा का जो टाइम है वो भी दिख जाएगा, परीक्षा का शहर दिख जाएगा, फॉर्म आपका एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है वो दिख जाएगा। साथ ही साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाए कि आपका एग्जाम जो है, जो एग्जाम है उसके 4 दिन पहले, यानी जब मान लीजिए आपका एग्जाम जैसे 9 तारीख से शुरू है तो 4 दिन पहले यानी 5 तारीख से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि के 4 दिन पहले, यानी कि जिसका एग्जाम 15 को है वो 11 को डाउनलोड करेगा, जिसका 16 को है वो 12 को डाउनलोड करेगा। ऐसा SSC ने इसलिए किया है, काफी पहले से कर दिया, एक सिक्योरिटी पर्पज से भी इस काम को किया गया है। तो दोस्तों बात करें एडमिट कार्ड की, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है चेक अनदर कैंडिडेट स्टेटस, ठीक इसी के बगल में एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड एंड प्रिंट एडमिट कार्ड, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको बता दें, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक सरकारीRESULT.COM, RozgarResult.COM और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उपलब्ध है, जहां से आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।